हे गाइस, वेलकम बैक टू द पॉज फैमिली। लास्ट वाले एपिसोड में आप लोगों ने देखा होगा मेरा मॉनिटर आने वाला था आज, और फाइनली आ चुका है। मॉर्निंग में मुझे लगा था कि यार, क्योंकि जो ऑर्डर था वो नेक्स्ट डे डिलीवरी थी, बट कुछ उनका टेक्निकल इश्यू हुआ था जो हमको नहीं पता। तो क्योंकि यार देखो, घर में सिस्टम आ गया था, उसके बाद से मॉनिटर नहीं था, कुछ कर नहीं सकते थे। बड़ा मन कर रहा था कि कब चला के देखें, तो अब जाके फाइनली अभी आज 5 बजे आया, मतलब शाम के 5 बजे हम लोग मार्केट वगैरह गए थे थोड़ा सा काम से। तो तभी जब जैसे ही हम लोग घर पहुँचे तो बाहर से वो भी खड़ा हुआ था और कैस्पर ये लोग रोने में लगे थे। सोचा था कि अनबॉक्सिंग करेंगे साथ में, बट थोड़ा बहुत कैस्पर ने ना अनबॉक्सिंग ऑलरेडी कर दी। मैं आपको दिखाता हूँ उसने क्या करा हुआ है। यहाँ पे कोको अपना थोड़ा सा हाथ मुंह साफ वाफ कर रही, क्योंकि मैंने उससे बोला है कि सैनिटाइजर यूज़ करना, तो बोले कि मैं बाहर के केमिकल वगैरह यूज़ मैं नहीं करती। तो उसने खुद से मतलब चाट वाट के साफ कर रही। बाकी इसके लिए हम लोग एक ऑलिव ऑयल के लिए डब्बा लेके आए थे। यहाँ पे ऑलिव ऑयल का खाना पैकेट में खाना, तो हम यही लेने गए हुए थे, बाकी कैस्पर रोने में लगा हुआ था। अमेजोन वाला आया था ना, तो आवाज आई होगी, तो उसने कैस्पर को लगा हम लोग हैं और अंदर क्यों नहीं आ रहा, तो उस चक्कर में रो रहा था। और देखो इसने ये फाड़ दी यहाँ से कैस्पर ने, मतलब इसको करनी थी अनबॉक्सिंग। तो अभी हम लोग इसको लेके जाते हैं उस जगह पे। आप उठा लोगे? ले आओ चलो। और इनको देखना, इनकी हरकतें देखना है क्या करते हैं। तो हम लोग जो काम करते हैं ना, इनको मजे आते हैं घर में अगर कुछ चीजें होती है तोड़ फोड़। अभी तो खैर तुम उठा के लेके आओ, अगर तुम खिसका के लेके आते वो पक्का इसके ऊपर बैठने वाले। देखो कुछ ना कुछ कर रहे हैं ये लोग यहाँ पे। इसको देखो ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे। आ जाओ चलो लेके, देखो 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 चढ़ने वाले हैं सब लोग। ये ना ऐसे ही करते हैं, लेकिन मजे आते हैं हमारे भी है इनके साथ में। देखो ये कुछ ना कुछ करने वाले हैं। ऑलिवर को समझ नहीं आ रहा क्या है, इनको ये लग रहा है कि इनका खाना है, इनका खाना आ चुका है, बट इनका खाना नहीं है। इनका खाना भी ऐसे आता है ना। हाँ, दूसरा ये भी हो सकता है, इनको बॉक्स बहुत पसंद है, तो सोच रहे हैं इतना बड़ा बॉक्स आ गया, हमारे तो मजे आ गए, मतलब खूब खेलेंगे। बाकी चलो लेके चलो इसको। तो अब हमने बढ़ा लिया है एक एक्स्ट्रा लाइट, क्योंकि बहुत ज्यादा ही यहाँ पे ना कमरे में अंधेरा हो रहा था। हम कब से वेट कर रहे थे इसका हमें ही पता है, और सुबह से हम वेट कर रहे हैं, आएगा आएगा। जैसे ही मार्केट गए हैं ना, वैसे ही ये आया है। और मतलब जैसे ही हम घर पे पहुंचे हैं और उनका फोन आ रहा था, और हम सीढ़ियों में थे और वहीं पे वो खड़े थे, बल्कि हमें दिखे भी नहीं। नवल कहता है फ़ोन आ रहा है कि शायद नीचे होगा, मैं नीचे की साइड झांक रही थी, बट वो हमारे घर के बाहर मतलब गेट के बाहर ही थे, और ये चिल्लाने में लगे हुए थे सबके सब। ये ऐसे ये इतने खुश हो जाते हैं ना, घर में कुछ पैकेज आते हैं तो ये ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ये भी अनबॉक्स करना है और वो भी अनबॉक्स करना है। तो सबसे पहले इनको देखना है कैसे इनको सबसे ज्यादा बॉक्स पसंद आता है, मतलब कुछ भी चीज़ है ना। तो मैंने अपना माइक तो निकाल दिया यहाँ से, ठीक है, इसको साइड करते हैं, थोड़ा लैपटॉप वगैरह भी मेरे को हटाना है यहाँ से। तो अभी फिलहाल के लिए मैं इनको रखने वाला हूँ यहाँ पे। तो हमने अभी कैमरा ना एक जगह सेट कर लिया है, और अब इसको हमको निकालना है। इसको थोड़ा ना साइड में हमको ऐसा करके करना है। ऑलिवर यहाँ पता नहीं चाकू के साथ क्या करना है। और ये सब आ गए। नहीं उससे दूर रखो उसे। ऑलिवर नहीं ऐसा नहीं करना, देखो ये ऐसे परेशान कर देते हैं। प्रॉब्लम ये है कि ना, एक तो बहुत हैवी है बहुत ज्यादा, और ऊपर से ग्लास है, तो यार वो सारी चीजें हैं। एक सेकंड इसको ना पीछे करो पहले ऐसे करके, और आप इसको इस ऊपर साइड से पकड़ लो यहाँ से। हाँ मैंने हाथ रख लिया, खोलो आप खोलो, ठीक है। हाँ ओके ठीक, हटा लो हाथ, हटा लो हटा लो। हाँ हाथ हटा लो। तो अभी हम डब्बा निकालने वाले हैं इसका, बॉक्स अनबॉक्सिंग हो रही है यार। ये अभी उल्टा है, इसको पहले हाँ, ये वाला निकाल, ये वाला है निकाल दो। चलो आराम से, बहुत डेलिकेट है, ग्लास लगा रहता है ना यार, उसका थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है कि अब इसको सीधा कर लो, सीधा कर लो, इसको हटा लो वैसे ही है ना सीधा। मुझे तो सीधा उल्टा का ज्यादा समझ में नहीं आ रहा। तो अभी आपको थोड़ा बहुत दिख तो गया होगा कि भाई कैसा दिखने वाला है। अभी हम इसको एक बार ऊपर रखना है इसको टेबल में, फिर देखना है कि क्या कैसे करके रखना है। चलो उठाओ, टेबल में तो मैं रख लूंगा आराम से। तो अभी इसको यहाँ पे रख दिया है यहाँ पे, और मेरे को ना कुछ चीजें अभी देखो, जब हम ये इसको टेबल लेके आते, इसको हटा लो। हाँ। इसको उसके हाथ, क्योंकि जब हम टेबल लिया था, अभी हमने यहाँ शिफ्ट होने के बाद ही लिया था, तब हमें पता नहीं था कि हम इतनी हाँ। जल्दी सिस्टम अभी ले लेंगे, था दिमाग में बट इतना नहीं था, और ये भी नहीं था कि दो मॉनिटर लेंगे या कुछ ऐसा था। तो टेबल उस हिसाब से हमको बड़ा लग रहा था। और ये देखो इनका, देखो इनका हंगामा होने लगे हैं ये कल। ये देखो अभी यहाँ घुस गया होगा ना, इसको यही चाहिए बस, इन लोगों को यही चाहिए। अभी बाकी भी आएंगे, बाकी लोग को दिखेगा। तो अब हमें खोलना है, मॉनिटर काटते नहीं हो, ये खोलते हो, काटते हो क्या मॉनिटर, काटोगे तो मॉनिटर ओपन करता हूँ, अनबॉक्स
काफी बड़ा है यार ये, है ना, इतनी बड़ी होगी क्या मॉनिटर इसकी? अरे तो डब्बा तो थोड़ा बड़ा ही होगा ना, उसको साइड में प्रोटेक्शन वो भी तो लगा होगा ना, थर्मोकॉल वगैरह, पता नहीं हमने 27 इंच का इनको देखो, इसको देखो, इसको पहले ज्यादा है कि गरम मेरा खाने का क्या है। धीरे धीरे एक एक करके आने लग गए। तो ये है मॉनिटर LG का, अल्ट्रा गियर गेमिंग मॉनिटर, 27 इंच का है। इसमें एक 4K वाला आता है जो बहुत महंगा था, उसमें पीछे से RGB लाइट वगैरह बहुत कुछ था, बट ये है, ये भी काफी कुछ है। 144 हर्ट्ज है और 1ms का इसका 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 1ms का रिस्पांस टाइम है, तो मतलब सही है यार, मेरे को इससे ज्यादा चाहिए भी नहीं, तो बहुत है। मतलब अभी तो लैपटॉप से अगर अपग्रेड हो रहा तो यार इतना काफी होता है, है ना, मेरे हिसाब से तो काफी है। लैपटॉप भी हमारा ऐसा नहीं है कि कोई दिक्कत है, लैपटॉप में भी गेम खेलेंगे, ऐसा नहीं है लैपटॉप में नहीं खेलेंगे, और एडिटिंग वगैरह भी उसमें करेंगे, बट हमें साथ में चाहिए था क्योंकि दो दो चैनल है तो ज्यादा चीजें हो जाती है और मैनेज नहीं होती, और वो ये कह एक्सपोर्ट में इतना ज्यादा टाइम लग जाता है ना, वीडियो खासकर क्योंकि वो हैवी होती है ना, तो बहुत दिक्कत करती है। फिर अब भाई गेम खेलना है तो उसके हिसाब से थोड़ा अच्छा पीसी होना भी चाहिए ना, तो अब ये धीरे धीरे जल्दी जल्दी ओपन करो, धीरे धीरे मत ओपन करो, चाकू काम का होता है ना, चाकू काम का ही नहीं है। ओके तो ओपन हो गया यहाँ से, और देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हमको मिली है। ये बॉक्स भी देखो, कोको ने अपना बॉक्स कब्जे में ले लिया, कैस्पर ऑलरेडी अंदर बैठा हुआ है, कैस्पर सही लग रहा है यहाँ से, देख चलो खोलो फटाफट खोलो। ओके और इसको पसंद है ओलिवर का थर्माकोल जो पूरा लगा हुआ है, क्योंकि तो ये इसका सबसे पहले, ये तो काफी ज्यादा हैवी है, ये इसका जो स्टैंड है ना बहुत हैवी है, ये मेरा पैर काट रहा है यार यहां से, सबसे पहले यही निकाल लेता हूं मैं ओलिवर, चलो पहले चीजें निकाल लेते हैं, ये इसका स्टैंड हो गया और ये भी कुछ होगा देखना पड़ेगा, हाँ ये इसका पावर पोर्ट वगैरह होगा ही, और ये है इसके डिस्प्ले पोर्ट HDMI केबल, और ये CD है जिसका कोई काम नहीं है, बाकी ये कुछ क्लिप है जो शायद कुछ होएगी काम, तुम इनके मुंह के पास से हटा के रखना नहीं तो ये चबा देंगे सब। हाँ ये थर्माकोल में बंद कर दूंगा इसको, इसको देखो ओलिवर क्या हुआ। ओके तो ये है हमारा मॉनिटर, मुझे नहीं उसमें मत चढ़, क्या कर रहा है, ले इसमें चढ़ जाओ, इसमें चढ़ जाओ, इसमें चले जाओ, इन्होंने सीडी ऐसी दी है, मतलब ओपन करके ये लो इसमें बैठ जाओ, ओपन करके कह रहा खुद भर लेना जो भरना है। मॉनिटर तो मैं निकालूं पहले, लेकिन मेरे को उससे पहले ये स्टैंड वगैरह लगाना पड़ेगा ना, मैं तभी मॉनिटर लगा पाऊंगा, अंदर उनका पता नहीं क्या चल रहा है इनको मैं इससे उसको ना थोड़ा सा साइड ही रखो यार, ये लोग क्या कर रहे हैं अब ना, इनका इस कमरे में आना है, हमने करना है बंद, ये बहुत ज्यादा वो करते हैं, और वो देखो वहाँ से वो भी जा रहे हैं, यहाँ से ये भी है, ये सोच रहा है कागज वागज फाड़ दूंगा, यहाँ सब तैयार हो रहे हैं, बहुत ज्यादा हैवी है यार ये, मतलब देख रहे हो कितना है ना, है मेरे तो हाथ टेढ़ा हो गया थे पकड़ने में, अरे पकड़ो एक हाथ में दर्द हो गया मेरे, कहाँ लगना है देखना, ये यहाँ लगेगा क्या, अरे अच्छा नहीं ये क्या है ना, ये है अनबॉक्सिंग करने वाले, ओके समझ गया, ये है ना यहाँ से पहली बार कर रहा हूँ तो समझ नहीं आ रहा थी, तो ये फाइनली माउंट यहाँ पर कर दिया, बहुत ज्यादा कुछ था नहीं, वो बस ऐसी क्लिप लगानी थी, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था हम इसको, ये काफी बड़ा है यार, है ना देखो कितना बड़ा है यार, हम तो 32 इंच का सोच रहे थे, हाँ तो क्योंकि लैपटॉप कितने इंच का है हमारा, बहुत छोटा सा है, और ये लोग पीछे क्या कर रहे हैं, इनको ये देखना, ओए अभी इनके यहाँ पे हंगामा चल रहा है, ये इन्होंने ना थर्माकोल फाड़ना स्टार्ट भी कर दिया, और ये सब ये देख रहे हो, ये सब इनका हंगामा हो गया, मैं एक बार इसको देखता हूँ माउंट ऑन करते हैं हम लोग फटाफट से, ऑन ही करना सबसे पहले, उसके बाद से मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीजें हैं, बॉक्स पड़ा है मेरे पास तो ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, ठीक है हो गया, अब ऑन करते हैं, चलो तो, हाँ तुम चलाओ चलो, पहले तो मेरे को इसका देखना पड़ेगा इसको ऑन करने का कहाँ से है, ओके ये ऑन हो गया, ठीक है तो ये ऑन हो गया, इसको सीडी हम लोग यहाँ से हटा लेते हैं, ये भी हटा लेते हैं, इसको ऑन करते हैं, क्योंकि ऑन करने के बाद ही जो इसकी, और देखो व्हाइट कलर हमने रितु को भी पसंद था, मेरे को भी पसंद था, नहीं व्हाइट कलर एक्चुअली में मैंने ही बोला था, मतलब हमारा डिसीजन जो चेंज हुआ था 2 दिन पहले ही हुआ था इस चक्कर में, क्योंकि मैंने बोला कि व्हाइट कलर का ही लेते हैं भाई, क्योंकि व्हाइट कलर कुछ अलग दिखेगा यार, हाँ, अंदर से सब चीज चमकती है, हाँ प्लान ये भी था, मतलब हम अंदर से भी मतलब वाटर कूलिंग वगैरह या फिर ग्राफिक कार्ड सारा व्हाइट करने का सोच रहे थे एक थीम पे, बट मिल नहीं रही थी चीजें, बहुत मुश्किल से हो रहा था, इसको ऑन करते हैं एक बार, ये हो गया ऑन हो गया, और घर जब से लाया ना पहली बार इसको ऑन कर रहे हैं, मॉनिटर का मतलब मॉनिटर ही नहीं था, क्या करते, तो अभी इसको देखते हैं कि मॉनिटर में नो सिग्नल दिखा रहा है कुछ, अब मेरे को समझना पड़ेगा पहले कि कहाँ पे इसकी चीज है, तो
तो फाइनली ये लग चुका है और अभी प्रॉब्लम ये आ रही थी यार, हम लोग उसको कनेक्ट कर रहे थे सही से, बट हम लोग उसको मदरबोर्ड से कनेक्ट कर रहे थे जबकि हमको करना था ग्राफिक कार्ड से। तो हम लोग देख ही रहे थे, हमको रीजन पढ़ रहे थे तो उसमें लिखा था कि अगर ऐसा कुछ हुआ कि नया मॉनिटर तो मतलब कुछ उसमें प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो मेरे को लगा यार अभी दोबारा से नया ऑर्डर करेंगे बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। तो फाइनली ये चीजें तो हो गई है, अभी मेरे को कनेक्ट करना है ये। तो ये लग चुका है अभी, और अभी तो खैर इसमें ऐसा कुछ है नहीं चेक करने के लिए, तो यार हम लोग थोड़ा सा परेशान से हो गए थे, मतलब कि यार क्यों नहीं चल रहा, हम लोग वीडियो वगैरह भी देख रहे थे। और फाइनली ये है हमारा सिस्टम जो कि यार अलग ही कुछ फील दे रहा है, कुछ अलग ही। तो अभी तो कुछ दिख नहीं रहा हो क्योंकि अभी जस्ट ओपन ही हुआ है, ये हमारा पहले से ही था तो ये नहीं लिया बस ये दो लिए हैं। और ये देखो अंदर से, अभी तो इसमें बहुत कुछ करना बाकी है ना। हाँ तो यार आज मेरे को पूरा लगेगा टाइम, मतलब जितने सॉफ्टवेयर इसमें और बाकी सारी चीजें इसमें रखनी पड़ेगी मेरे को। इन लोगों ने यहाँ पूरा गत्ता फाड़ दिया, अगर ऐसा कुछ हुआ भी कि कभी हमको रखना पड़ा, इन्होंने फाड़ दिया पूरा यार। ये सूम के चेक करेगा क्या चीज चलती नहीं चलती, इतनी बड़ी डिस्प्ले खूब मार दिया इसको, लाइट भी गई शायद, लाइट भी गई है। तो अभी तो ये पूरा सेट होने में टाइम लगेगा, ये सब कर रहे हैं तो फाइनली आ गया, मतलब कितने टाइम से इंतजार कर रहे थे। और अब करेंगे सेटिंग वगैरह, मतलब इसको देखने देखने में ही पूरा दिन चल जाएगा, अभी ये सफाई भी करनी है सारा। तो जो आप इसके बारे में कुछ बताना चाहते हो क्या सीपीयू के? अच्छा हाँ, मैं इसकी चीज़ें आपको बता देता हूँ एक बार क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले तो यही हाथ में है पावर सप्लाई यूनिट, ये हमने लिया है किसका है, एनटेक का है, 750 वॉट का। मेन चीज़ यही थी, यही हम लोग भूल गए, तो 750 वॉट का ये है और 80 प्लस गोल्ड में ये लिया है हमने, ठीक है। और उसके बाद से ये है मदरबोर्ड MSI का मैक Z490 टोमोहॉक, ये लिया हुआ है। इसमें वाईफाई नहीं है, वाईफाई की ज़रूरत भी नहीं है, लैन से ही मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी, तो ये लिया था। और इसके प्राइजेज वगैरह सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, मैं उतना ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। और ग्राफिक कार्ड की बात आती थी और मेन चीज़ें यही थी, सबसे पहले ये चीज़ें हमने डिसाइड करी थी कि ग्राफिक कार्ड कौन सा होगा। ये है कौन सा MSI का, सिर्फ हमको ये कार्ड बहुत प्रॉब्लम कर रहा था, मतलब ये आजकल बहुत लोग खरीद रहे हैं तो मिल नहीं रहा था, आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है हर जगह कार्ड। तो RTX 3060 Ti है, मैं एक बार 3070 पे भी जाने का ट्राई कर रहा था बट $100 में कुछ ज़्यादा कुछ खास था नहीं उसमें, तो हमने ये वाला लिया हुआ है। इसमें तीन फैन वैन के साथ में ये है, बाकी ये है हमारा जो वाटर कूलर है लिक्विड वाला, गेमएक्स का नहीं, गेमएक्स कह रहा हूँ, डीप कूल का है। और हमारी कैबिनेट भी डीप कूल की है, हाँ कैबिनेट भी हमारे डीप कूल की है। उसके अलावा इसके बाकी सीपीयू है हमारा प्रोसेसर, हाँ कहाँ से खुल गया, हाँ। इसके अंदर है क्या प्रोसेसर? ओके तो ये तो एक नॉर्मल सा फैन है जो हम लोग ले लिया हमने, बाकी एक ये कार्ड लगा रखा है जो 500 GB का है, NVMe SSD है ये वाली, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती तो ये लगा रखी थी। उसके अलावा एक हार्ड डिस्क लगाई थी और दो रैम लगा रखी हैं, रैम हमने नॉन RGB लगा रखी, रैम पहले हम लोग 32 GB में ट्राई कर रहे थे बट फिर बजट से ऊपर जा रहा था तो हमने सोचा कि क्या कम कर सकते हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, हम लोग प्रोसेसर चेंज नहीं कर सकते, हम लोग ग्राफिक कार्ड चेंज नहीं कर सकते और पावर सप्लाई यूनिट में भी ऐसा कुछ खास फर्क आने रहा था अगर ब्रॉन्ज वगैरह में जा रहे थे, तो फिर हमने रैम को 16 GB करा, हम लोग 16 बाद में बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसमें दो स्लॉट और है तो हम दो स्लॉट इसमें और लगा सकते हैं ना रैम के। और ये प्रोसेसर है, तो ये प्रोसेसर है इंटेल का i9 10th generation है और 10900K है, एकदम लेटेस्ट वाला। तो पहले कुछ और प्लान था, पहले AMD का था, फिर बाद में हम लोगों ने इसमें थोड़ा सा रिसर्च वगैरह करके ये वाला लिया है। तो ये इसके सारे स्पेक्स वगैरह हैं, बाकी सारी इसकी डिटेल में प्राइस वगैरह तो आपको ऑनलाइन, मतलब मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वो है। और मॉनिटर के कुछ दिन आदत डालने में टाइम लगेगा क्योंकि बहुत बड़ा दिख रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है टीवी है सामने। हमें तो छोटी सी स्क्रीन की आदत है ना, लैपटॉप की बहुत छोटी सी स्क्रीन होती है। तो यही खत्म करते हैं आज का व्लॉग, क्योंकि अभी हमें भी देखनी है चीजें और व्लॉगिंग में ही लगे हुए हैं, मतलब यार आज का इसलिए वीडियो थोड़ा सा लेट हो रही है क्योंकि अभी इसमें बहुत कुछ मेरे को करना है तो उसमें टाइम लग जाएगा। यहीं पर खत्म करते हैं आज का ब्लॉग, आई होप कि आप सभी लोग को वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।